अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। जिला संयोजक शुभम सावले ने बताया कि हम देख रहे हैं कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों को दबाने और उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। आज देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों की आवाज को दबाने और उनके भीतर भय उत्पन्न कर झूठे आरोपों में फंसाने का कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिस प्रकार पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ किया गया है। अखिल भारतीय विद्यालय परिषद ने इस कृत्य की निंदा कर विरोध में महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान प्रांत सहमंत्री संदीप सिंह चौहान, विभाग सह संयोजक कपिल अंजने आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे देश में फिर ऐसी घटनाएं हो रही है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी जिनकी गिरफ्तारी की गई है और जिससे साबित होता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और पत्रकारिता जो कि लोकतंत्र का एक आधार ही माना जाता है, इसके साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, गलत गतिविधि की गई है। इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आज हमारा चौक पर भारत सरकार का पुतला फूंका है और भारत सरकार का विरोध किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।